बॉलीवुड में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं जो इंटीमेट सीन शूट करने के दौरान हो जाती हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर ऐसे भी हैं जो इंटीमेट सीन के बाद बहक जाते हैं और उन्हें अपनी को स्टार के साथ गलत व्यवहार करना पड़ जाता है। सिनेमा के इतिहास में इस तरह के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना का नाम भी उन्हीं सितारों के साथ लिया जाता है जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच किसिंग सीन फिल्माया जा रहा था। इस दौरान विनोद खन्ना बेकाबू हो गए और उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठों पर काट लिया। विनोद खन्ना माधुरी दीक्षित से 20 साल बड़े थे। काफी सोचने के बाद माधुरी उनके साथ इंटीमेट सीन करने को तैयार हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी इस हरकत के बाद वो काफी अनकंफर्टेबल हो गई। माधुरी ने बाद में इस सीन का राज खोला था। उन्होंने बताया था कि उस सीन को शूट करने के लिए वो बहुत नर्वस थी। हालांकि नर्वस विनोद खन्ना भी थे, लेकिन वो बहक गए थे और किस करते हुए उनको काट लिया था। हालांकि बाद में विनोद खन्ना ने माफी भी मांगी थी। माधुरी दीक्षित आज भी इस सीन के लिए अफसोस करती हैं। सीन शूट होने के बाद माधुरी दीक्षित ने डायरेक्टर से इसके हटवाने की भी मांग की थी, लेकिन वो नई आई थी जिस वजह से डायरेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इस सीन के लिए माधुरी दीक्षित की खूब आलोचना भी की थी। उसके बाद से ही माधुरी ने इंटीमेट सीन्स करना बंद कर दिए थे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें PMS मीडिया।